गया और उनका पंजीकरण करवाया गया, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत लाभ मिला। अब प्रधानमंत्री जी भारत सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। इसके लिए हमारे साथ सभी 285 ब्लॉक्स व 78 अर्बन लोकल बॉडीज से करीब 85,000 लोग जुड़ रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें, जम्मू कश्मीर तथा देश के लगभग सभी IIT, IIM, एम्स व अन्य शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी इस समय हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। सबसे पहले हमारे साथ हैं वीना देवी जी, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं। वीना जी किश्तवाड़ जिले से हैं, आज इस पंडाल में हमारे साथ मौजूद हैं। वीना जी, मंच पर आसीन। वीना जी किस तरफ हैं आप? हाँ, देखा, देख लिया। हाँ वीना जी नमस्ते। नमस्कार परम आदरणीय। वीना जी जरा अपने विषय में बताइए, किस योजना मिली का लाभ मिला है, उसके कारण आपके जीवन में क्या लाभ हुआ है, जरा देशवासी आपको सुनना चाहते हैं। परम आदरणीय सर्वप्रथम आपको मेरी ओर से सादर चरण वंदना और श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जो आपके शुभ कर्मों द्वारा सफल हुआ उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। मान्यवर, मेरा नाम वीना देवी परिहार है। मैं जिला किश्तवाड़ के दूरदराज खेतर देवभूमि पाटर से बिलोंग करती हूँ। अटोली मेरे गांव का नाम है सर। मैं उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हूँ सर। गांव का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरता था, जैसे गांव जंगल से लकड़ी काट कर लाना, चूल्हा जलाना बहुत दिक्कत आती थी। माननीय महोदय, इस संबंधी ये चूल्हे का जो खाना बनाने की व्यवस्था थी, इससे जीवन की अस्वस्थता के बहुत सारे कारण उत्पन्न हो गए थे। माननीयवर, जब से केंद्र में आपकी सरकार आई, जो लाभ मुझे मिला उससे मेरे जीवन में एक नई रोशनी मिली। आज मैं उज्ज्वला जो मुझे कनेक्शन मिला है उसके द्वारा मैं आराम से अपने परिवार के लिए भोजन बना सकती हूँ, जो कि विद इन घंटे में काम सफल कर सकती हूँ। तो पहला लकड़ी क्या, लकड़ी बाजार से बिकती थी या आपको लकड़ी लेने के लिए जंगल जाना पड़ता था? खुद जाना पड़ता था, खुद काट के लाना पड़ता था। तो अभी वो जंगल जाने वाला समय बच गया जी महोदय, चूल्हा जलाने का समय बच गया महोदय, तो उस समय का उपयोग क्या हो रहा है सर? आज हम क्या कहते हैं, हमारे परिवार में उसका उपयोग, जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय हमारा समय बहुत बचत हो जाती है और हमारी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी वो भी दूर हो गई है। और क्या लाभ मिला है आपको? मान्यवर, मेरे परिवार में आयुष्मान कार्ड प्रत्येक सदस्य का बना हुआ है। राम कृपा से अभी ऐसी नौबत तो नहीं आई है, किंतु पूरी आश्वस्त हूँ कि कभी भी कोई अगर आपदा आन पड़े तो मेरे मंत्री महोदय ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक उपहार स्वरूप दिया है, जो मैं पूरी यकीन से कह सकती हूँ कि मैं अपना उपचार 5 लाख के अंदर करवा सकती हूँ। भगवान से मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि माता वैष्णो देवी की कृपा बनी रहे, आप में नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में कभी भी किसी को बीमारी ना आ जाए। धन्यवाद बीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नमस्कार जी, मैं एक बार मेरा फिर से कोटि कोटि नमन प्रधानमंत्री में होगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीना जी। अब हम चलते हैं कठुआ जिले की कीर्ति शर्मा जी के पास। कीर्ति जी को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के तहत लाभ मिला है। आज कीर्ति जी जम्मू में हमारे साथ यहाँ पंडाल में मौजूद है और हमारे साथ जुड़ रही है। कीर्ति जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद जी। मेरा नाम कीर्ति शर्मा है।
समूह का नाम अयान है, तहसील बिसोली डिस्ट्रिक्ट कठुआ की रहने वाली हूँ। समूह से जुड़ने से पहले मेरा कोई रोजगार नहीं था, मेरी कोई पहचान नहीं थी। समूह से जुड़ने से मुझे अपने परिवार को, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिला। समूह से जुड़ने से मैं अपनी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में सफल रही। समूह से जुड़ने से पहले मेरा रोजगार नहीं था, मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी। समूह से 30,000 रुपए का लोन लेकर एक गाय लेकर अपना रोजगार चालू किया, जिससे मेरे महीने की आय जो ठीक हो गई। मैंने सोचा एक महीने एक गाय से रोजगार चल रहा है तो मैं अपनी समूह की महिलाओं को साथ में लेकर 3 गाय ली, जिसके लिए मैंने समूह से 1,00,000 रुपए का लोन लिया। वहां से मेरे साथ साथ मेरी समूह की महिलाओं का भी आत्मनिर्भर बनना और उनके परिवार को भी अच्छे से चलने का रास्ता मिला। मैं समूह से जुड़ने से पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी। एक नारी शक्ति बनाने में मुझे यह समूह का बड़ा सहायता मिला है। मैं संकल्प है कि जैसे मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ, वैसे ही मेरी समूह की सभी महिलाएं, जिले की सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बने। समूह से आपके समूह में कितनी बहनें हैं? मेरे समूह में 8 बहनें हैं। और सब पशुपालन के ही काम में लग रही है कि और भी काम कर रही है? सर, पशुपालन के काम में भी लगी हैं और कोई बहनें उसमें सिलाई भी करती हैं। तो आपके बैंक से कोई लोन वोन लिया है आपने? हाँ जी सर, समूह से बैंक से हमें लोन मिला है, जिससे हमारा रोजगार बड़ा अच्छे चल रहा है। कितना लोन मिला बैंक से? सर, पहले हमने 3 गाय लेने के लिए 1,00,000 रुपए लिया था। अभी बैंक को पैसा वापस दे दिया या देना चालू है? वो वाला हमने खत्म कर दिया है। 8-10 गाय हैं हमारे समूह की महिलाओं के पास। वाह, आपने तो बड़ी क्रांति कर दी है। हाँ जी सर। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है। आपको सरकार की और कोई योजना का लाभ मिला है? हाँ जी सर, मुझे हमें समूह से जुड़ने से पहले किसी भी योजनाओं का पता नहीं था। समूह में जुड़ने के बाद हर एक योजनाओं का पता चला और उसका हमने लाभ लिया है, जैसे आवास योजना, जल जीवन योजना, आयुष्मान कार्ड, लाडली बेटी, हर एक उज्ज्वला योजना, हर एक का हमने लाभ लिया है। वाह, आप तो बढ़िया तरीके से बताती है। थैंक यू सर। अच्छा मुझे बताइए सर, मेरा एक बड़ा सपना है। हाँ जी सर। वो सपना ऐसा है कि मैं देश में आप जैसी बहनें जो हैं, जो स्वयं सहायता समूह में काम करती हैं, उसमें से 3 करोड़ बहनों को मैं लखपति दीदी बनाना चाहता हूं। 3 करोड़ लखपति दीदी, आप मुझे बताइए आपके समूह में मुझे कितनी बहनें लखपति दीदी बना सकता हूं? सर, मेरे जिले में 8,875 महिलाएं हैं, जिनको मैं खुद कोशिश करके लखपति दीदी बनाने में आपका सहयोग। 8,000, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, आपको बधाई हो। तहे दिल से मैं अपने नरेंद्र मोदी जी का, पूज्य राज्यपाल जी का, JKRLM का, उम्मीद का और जो बड़े बड़े सहयोगी हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति जी आपका। अब हम चल रहे हैं पुंछ, जहां से लाल मोहम्मद जी संवाद करेंगे
इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाया है। लाल मोहम्मद जी पुंछ से। लाल मोहम्मद जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। हमारी तरफ से मैं पूरे पुंछ के आवाम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया और स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। लाल मोहम्मद जी जरा अपने बारे में बताइए, सरकार की योजना आपके इतने दूर दूर के गांव तक पहुंची है, आप तक उसका फायदा पहुंचा है, मुझे खुशी हुई। क्या क्या लाभ मिला है मैं जानना चाहता हूं। सरकार की तरफ से हम एक, मेरा नाम लाल मोहम्मद है, गुजर बरादरी से तलक रखता हूं और हम घर में 6 फरीक हैं और हमारे दादा परदादा ये सब खानाबदोश लोग थे और परेशानी आलवे कच्चे मकानों में रहते थे और मैं गांव दड़ा मोड़ा बॉर्डर पहुंच कर रहने वाला हूं, जहां हमने म्युनिसिपैलिटी के दौर में बहुत सी परेशानियां मुसीबतें देखी हैं, जहां शेलिंग वगैरह होती है और हम, मैं एक किसान हूं, छोटा किसान हूं, किसान में मजदूरी वगैरह भी करता हूं और बहुत परेशानियों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे। अब जो प्रधानमंत्री PMAY की तहत पैसा मिला है 1,30,000 रुपया, उसके जरिए हमने अपना घर पक्का बना लिया है और खुशहाली से रह रहे हैं। बढ़िया घर बना और पक्का घर बना है और बढ़िया बना है, जैसा चाहिए था वैसा बना है। बढ़िया घर अच्छा बना है। अब तो घर अच्छा बना तो बच्चे भी खुश होंगे। हाँ बच्चे भी खुश हैं, सब ठीक है। ऐसे तो हमारे गांव में सभी आते होंगे, अब घर अच्छा है तो बच्चों के दोस्त भी आते होंगे। हाँ बहुत खुशी में आते हैं। तो फिर उनको भी कुछ खिलाना पड़ता होगा। नहीं बहुत अच्छे खुशी से रहते हैं और आपका गुण गाते हैं सभी बच्चे गांव वाले, मोदी जी नारा लगाते चलते रहते हैं छोटे बच्चे रोडों में। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूर सुदूर गांव तक सारी योजनाएं पहुंच रही है, आपको इसका लाभ मिल रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं लाल मोहम्मद जी। हाँ मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी। और मैं एक अपनी कौम की तरफ से विकत भारत का एक शेर सुनाना चाहता हूँ, 2 सतरें। हाँ सुनाइए। हम गुजर या धरती मारी मारो हिंदुस्तान, हम गुजर या धरती मारी मारो हिंदुस्तान, हम ना अपना जान तू प्यारी मुल्क अपना की शान, पावे मारा सिर ऊपर रे गोली दे बम बरसो, भावे मारा सिर ऊपर रे गोली दे गम बम भर तो, वफादारी है खून मारा मायो जाने जग सारो, विकसित भारत मा है अगे मारा शेर जवान, हमना अपनी आना अपनी जान तू प्यारी मुल्क अपना की शान। शुक्रिया हम सब गांव वाले और मेरे पुनी पुंछ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा।